लेकिन मोदी जी क्या इस देश की जनता के साथ खड़े हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसके ऊपर मोदी जी को बोलना चाहिए। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी अपने आवास पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पुतला जो दहन कर रहे हैं, उसका मूल कारण बताएं सर। पुतला दहन करने का प्रमुख कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। पहले चाइना से हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस को लाया गया और अब थाली बजवा रहे हैं, कभी दिया जलवा रहे हैं, क्या इससे कोरोना वायरस भाग जाएगा? आज समूचा देश लॉकडाउन है, घरों में पैक है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी भूख से कितने मर चुके हैं, इसके ऊपर मोदी जी को बोलना चाहिए। तो देश की भोली भाली जनता को बहकाने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या होगी? सर, हमारे देश को पूरे देशवासी जो है 125 करोड़ आदमी, उनको बोला गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 5 अप्रैल रात के 9 बजे सब दीप मोमबत्ती टॉर्च जो है जी का पुतला दहन। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी पुतला दहन किए हैं। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य है कि इन्होंने कहा था कि जितने भी बिहार के लोग हैं गाजियाबाद बॉर्डर पे आए उनको घर भेजने का हम काम करेंगे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ पूरा भारत ने देखा। माननीय नीतीश कुमार जी का मैंने पुतला इसलिए दहन किया है कि ये नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 महीने का हम सबको फ्री में राशन देंगे, 1000-1000 रुपया देंगे, 3 महीने का वृद्धा पेंशन सबको देंगे एडवांस में। क्या मिल गया? नहीं मिला ना, तो क्यों नहीं पुतला दहन करें? जरूर करेंगे, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। जिस दिन भारत की जनता जाग जाएगी, ऐसी घटिया राजनीति करने वालों को पहचान जाएगी, उस दिन मोदी जैसे नेताओं का देश में कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि मोदी जी ने अभी तक ये 7 साल मोदी जी का जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता को क्या दिया है? जुमले के अलावा कुछ दिया है? विकास का मुद्दा लेके आए थे चुनाव लड़े, पहली बार 15-15 लाख दिया, महंगाई कम करने का वादा किया, क्या कहते हैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, क्या दे दिया मोदी जी ने नौजवानों को रोजगार? सर, मैं ये देश सुरक्षित हाथों में है, यही कहा था 2014 के ये 19 के चुनाव में ना, तो क्या ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है? आज खुद आप फैसला करिए, क्या ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है? आज उन गरीब मजदूरों के विषय में मोदी जी क्यों नहीं बोले 2 लाख टीवी पे जब आए? ये क्यों नहीं कहा कि जो भूख से मर रहे हैं मैं उनको खाना देने का काम करूंगा? जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं बिहार के लोग, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, महाराष्ट्र, तमाम जगह जाते हैं बिहार के लोग मजदूरी करने, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी क्यों नहीं की? करनी चाहिए। और जो व्यक्ति गुजरात से पैदल चल के आ रहे थे भूखे, उन व्यक्तियों ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, क्यों? वो बिहार के थे। इसलिए मोदी जी को अभी अरबों रुपया इन्होंने चंदा उद्योगपतियों से लिया है, तमाम नेताओं से लिया है, तमाम क्या कहते हैं फिल्म स्टारों से लिया है, लेकिन देश की जनता को क्या 1 पैसा मोदी जी ने दिया है?
तो ये सब चीजें सोचना पड़ेगा देश की जनता को कि क्या मोदी जी की जनता तो एक एक मोदी जी के साथ पिछले 7 सालों से खड़ी है, लेकिन मोदी जी क्या इस देश की जनता के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। इसीलिए आज हमने भारतीय मित्र पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका है। सर, दीप जलाने से, मोमबत्ती जलाने से और टॉर्च जलाने से क्या हमारे देश से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी? आप यही तो देशवासियों को समझना है, क्या चीज का ये दीप जल रहा है? क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।